आज मैं आपके सामने एक पेशेंट लेके आया हूँ पैरालिसिस का, जिनका नाम है गजेंद्र। हाथ और घोड़ उठा के देता हूँ, कमजोरी महसूस करती हूँ। तो इनको तकरीबन 11 महीने पहले पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ा, और वो स्ट्रोक क्या था, इस वजह से पड़ा कि ब्रेन के राइट साइड पे क्लॉट आया। पहले हाथ इतना उठता था, चलता नहीं, इतना नहीं उठता था। फिंगर्स को दोनों हाथ पे चला के दिखाओ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पोलू धवन, और आज मैं आपके सामने एक पेशेंट लेके आया हूँ पैरालिसिस का, जिनका नाम है गजेंद्र जी। गजेंद्र जी का स्टोर है, प्रोविजनल स्टोर है, किराने की दुकान है पहाड़गंज में। तो इनको तकरीबन 11 महीने पहले पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ा, और वो स्ट्रोक क्या था, इस वजह से पड़ा कि ब्रेन के राइट साइड पे क्लॉट आया। क्लॉट आने की वजह से ब्रेन का वो जो हिस्सा जहाँ पर क्लॉट आया था, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाया, वहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं पहुँच पाया, और वो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया। जब वो राइट साइड का एरिया डैमेज हुआ, तो उनका असर उनको लेफ्ट साइड में देखने को मिला, कि लेफ्ट साइड इनके हाथ पैर में चलना बंद कर दिया। अब इनको हमारे पास साई संजीवनी में आते हुए सिर्फ 3 महीने हुए, और 3 महीने के अंदर इनकी लाइफ में क्या चेंजेस हुए, क्या नहीं हुए, इनको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, सब आपको आप गजेंद्र जी को बताएंगे। सब हाथ में तो काफ़ी हद तक आराम है, पैर के अंदर दिखते हाथ और घोड़ खाने देता हूँ, कोई कमजोरी महसूस करते हो, तो काम करते हो, सामान उठाते हो, रखते हो, ऐसे को दिखता, लेकिन वजन नहीं भी उठा पाते, वजन नहीं उठा पाते। शुरू शुरू में सिर्फ यहीं तक उठा रहा था, अब यहाँ तक पूरा उठा लेते हो, यहाँ तक इससे यदि उठान में वो सीढ़ी वगैरह पर सामान पकड़ाना होता, ऊपर नहीं ज़्यादा उठा रहा था, बाकी सारा बाकी उठा रहे। ठीक है, तो और बाकी पैर में आपने क्या चेंजेस फील किए? पैर के अंदर पहले से तो काफ़ी हद तक आराम है, लेकिन इतना आराम नहीं है जितना होना चाहिए, मेरे को महसूस होता है। तो आप ये भी बताओ आपने क्या करते हैं? हाँ, कि पैर के एक्सरसाइज में बहुत कम नहीं है, और हाथ ही आपने देख रहे हैं, हाथ तो अपने आप पता नहीं करते करते हो गए थे। क्योंकि गजेंद्र जी जब शॉप पे काम करते हैं तो क्या करते हैं, सारा सामान निकालना, उसको रखना, कस्टमर आया तो उसको देना, क्योंकि इसकी वजह से इनकी हाथ की एक्सरसाइज ज़्यादा थी, इसलिए कि हाथ में इम्प्रूवमेंट जल्दी है, जबकि नॉर्मली ये देखा नहीं जाता कि पेशेंट के अंदर हाथ में इम्प्रूवमेंट पैर से जल्दी, क्योंकि इनकी एक्सरसाइज ज़्यादा होने की वजह से तो ब्रेन का जो हिस्सा है जो आपके हाथ की मूवमेंट करवाता है वो ज़्यादा डेवलप हुआ, और उसका असर इनके रिजल्ट में भी देखने को मिलता है कि इनका हाथ जल्दी आराम आ गया। मगर पेशेंट क्योंकि इनकी शॉप में खड़ा रहता है, चलते नहीं, छोटी सी शॉप होने की वजह से, तो ज़्यादा ना चलने की वजह से, ज़्यादा वॉकिंग ना होने की वजह से, प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज होने ना होने की वजह से, ब्रेन में जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट इनको चला सकती थी, वो थोड़ी सुस्त पड़ गई। पहले ये आए वॉकर से आए, बड़े अपने आप को ट्रैक करते हुए आए, आज ये बिना स्टिक के चल लेते हैं, आराम से चल लेते हैं, अभी चलिए भी दिखाएंगे ये आपको। तो ये इम्प्रूवमेंट हुई है सिर्फ 3 महीने, जो लोगों की इम्प्रूवमेंट रुक जाती है, जहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही होती, ब्रेन में चेंजेस नहीं आ रहे होते, वो चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और स्टार्ट होने के बाद हमें सबसे जरूरी काम करना पड़ता है एक्सरसाइज, और उसका सबूत आपके सामने है। अगर पेशेंट साई संजीवनी की बताई हुई एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसका ब्रेन उस चीज़ में डेवलप नहीं कर पाता है। फिजियोथेरेपी और साई संजीवनी की बताई हुई एक्सरसाइजेस में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। फिजियोथेरेपी जो पेशेंट करता है वो अपने मसल्स को ठीक रखने के लिए करता है, और जो एक्सरसाइज यहाँ बताई जाती है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का हिस्सा होता है, वो आपके ब्रेन के लिए होती है। तो ये जो मेजर डिफरेंस होता है फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, उसका असर आपको किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर बहुत आराम से देखने को मिलता है, और बचे बचे उसके जितने ज़्यादा विटनेस है, आप ये कह सकते हैं कि है जिन्होंने फर्क देखा। फिजियोथेरेपी बैंक भी करवा रहे थे, बट इम्प्रूवमेंट नहीं थी, मगर जब सही मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है और सही एक्सरसाइज पेशेंट को बताई जाती है, तो चेंजेस आना ऑलमोस्ट जरूरी हो जाता है, वो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। गजेंद्र जी, अब आपको 3 महीने हो गए। हाँ जी, ठीक है ना। 3 महीने पहले आपकी क्या कंडीशन थी? 3 महीने पहले से बहुत बैड, बहुत बैड। पहले इतना पैर चल रहा था? हाँ जी, पहले इतना पैर उठता था जितना आप उठ रहे हैं। 3 महीने पहले आप मेरे पास वॉकर पे चलकर आए थे, आज आप बिना सहारे के बेटा स्टिक पे चल रहे हो। स्टिक से आ रहा हूँ आपके पास। आपको एक खास दिक्कत महसूस होती है? दिखाओ, पहले हाथ इतना उठता था, चलता नहीं उठता था, फिंगर्स को दोनों हाथ पे चला के दिखाओ। पहले मूवमेंट्स थी, हाथ में थी ताकत, थी मूवमेंट बिल्कुल ही थी। पहले हल्का सा इतना ही कर पाता था,
आप कोई काम करने में कोई दिक्कत महसूस करते हैं? वजन उठाने में दिक्कत है, वजन उठाने में दिक्कत